हिमाचल प्रदेश करुणामूलक संघ ने संघ के अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया और सरकार से शीघ्र ही अनुकंपा के आधार पर दी जाने वाली नौकरियों से आय सीमा को हटाने की मांग की। इसके अलावा वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से विभिन्न विभागों में लंबित करुणामूलक के मामले का निपटारा करने की मांग की। आश्रितों ने मांग की है कि करुणामूलक आश्रितों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के मुताबिक ही नौकरी दी जाए। कई आश्रितों का 15 सालों से भी अधिक का समय आवेदन किए हुए टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली है। सरकार आश्रितों को नौकरी देकर जल्द ही राहत देने का काम करे। तो करुणामूलक संघ ने जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनकी समस्या को सुलझाने की मांग की। हिमाचल प्रदेश के जो 65,000 करोड़ के 78 नेशनल हाईवे बनने थे, एक का भी नाम नहीं है। वो भी इस स्कीम में वायबल प्रोजेक्ट्स की लिस्ट भी आ गई है। अब इसका मतलब कि नेशनल हाईवे जो इतने इन्होंने जो शानो शौकत से जिनका ऐलान किया था और सत्ता हासिल करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई कि 69 नेशनल हाईवे बनेंगे, उसमें तत्कालीन विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल और उनके बाकी सांसद वगैरह सब कह रहे थे कि ये नेशनल हाईवे बनेंगे, लेकिन ये जो